आपके सवाल में आपका जवाब है, आज तक मुझे सस्पेंशन का कोई कागज नहीं मिला है और इनको सस्पेंशन करने में कोई ज़्यादा दिलचस्पी पर नहीं है। सिर्फ उनको यही था कि हमारी बढ़ती हुई इमेज को किस तरह से मलिन किया जाए जिसके वजह से आने वाले चुनावों पे इसका असर पड़े। मैं सोचता हूँ कि भाजपा इतनी बड़ी संस्था है, इतनी पूजनीय संस्था है मेरे लिए, कि उनको मेरे साम नाम के साथ में घिसड़ना बहुत खराब चीज़ है। जिमखाना की अंतरंग बात, अंदर खाने की बात को बाहर निकाल सकते हो, लेकिन उसमें भाजपा में भाजपा को साथ में जुड़ना वो बेवकूफ़ी की बात है। कहाँ भाजपा, कहाँ हम, हमारे से भाजपा नहीं है। भाजपा के जरिए हम लोगों का काम कर सकते हैं। भाजपा को बदनाम करने की ये जो कोशिश की गई है उसका ज़्यादा मुझे दुख है, रादर देन मेरे पे जो आक्षेप लगाए हैं उसका है। अगर सस्पेंशन किया, पेपर ने छापा, तो कागज़ क्यों नहीं देते हमें? और ये दोनों अंग्रेजी पेपरों को हमने भारपूर्वक पूछा था कि हमारे पास कागज नहीं आया, क्या आपके पास आया है? तो बोले नहीं, नहीं आया है। तो हमने कहा बिना सबूत आप किस तरह से आपकी स्टोरी कर रहे हो? तो कहे नहीं, हमें करना है। अब आज भी हम अंग्रेजी भाषा से इतने प्रभावित हैं और यह हकीकत है कि इनकी पेपर का इतना व्याप्त है कि वो कुछ भी लिखेंगे, लोग जानेंगे, पूछेंगे, करेंगे, और ये मनमानी कर रहे हैं। ये आप ही लोग पूछ सकते हैं ये दोनों पेपरों को कि भाई आपके पास क्या प्रूफ है। और रहा आक्षेप और पर आक्षेप की बात, साहब जो कार्य करता है, जो कोई संस्था को जीरो से लेके ऊपर तक उठा सकता है, उसके पीछे भौंकने वाले भौंकेंगे ना। ये तो जायज है, गाड़ी स्पीड से चलेगी तो धूल तो उड़ेगी उड़ेगी। ये अचरज हमें भी है। ये 5 साल पहले की बात या 4 साल पहले की बात आज दोहराई गई है। 5 साल तक, 4 साल तक, शायद 4 साल तक ये कंटिन्यूज उनके उन्होंने हमारे एजीएम में ये बात रखते गए। और एजीएम जो हमारा मेन बॉडी है, वो एजीएम ने इनको मैनेजिंग कमेटी पे वापस खिसकाते गए। बोले आपका, आप इसके पर निर्णय लो और आप जो निर्णय लेते हो हमें आइए, हमको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करिए, बिकॉज उनको भी मालूम था ये पॉलिटिकल स्टंट है। अब आज आप ही खुद सोच लीजिए, आप भी समझदार हो, आपने कितने लोगों का इंटरव्यू किया होगा, आपको मालूम है ये परिभाषा, ये राजनीति की, कि 5 साल के बाद में आप जब क्लब के चुनाव आ रहे हैं, जब क्लब के अंदर लोगों को बदलाव लाना है। पहले एक जमाना था जब यही हालत थी, कड़ंगी हालत से क्लब चल रहा था, बेडंगी चाल से चल रहा था। तब हमारे आने के बाद में लोगों का सहयोग, सरकार से हमारे पास में जो भी थोड़ी सी आवड़त थी, जो भी हमारी दृष्टि पहुंच रही थी, उससे क्लब के अंदर, क्लब को बम्बई की नंबर वन क्लब बनाने में हम सफल बने थे और आज उसके परिणाम हम भुगत रहे हैं। लोगों इस समय जो अनियमितताएं चल सही है, आज आप सोचिए कि हमारे पास जब मैनेजिंग कमेटी के अंदर, मैनेजिंग कमेटी के दूसरे सदस्य लोग जब कंप्लेन करते हैं कि वाटरप्रूफिंग का 100 रुपये का बिल 1000 रुपये का कैसे बन जाता है, एक 200 फुट 300 फुट का कैफेटेरिया का कीमत 32, 35, 36 लाख कैसे हो जाती है। तो ये सभी जो गैर रीति के मामले, जो रियल गैर रीति मेरे हिसाब से हैं, ये जब भी हम पूछते हैं इनको, और पूछने वाले थे यही मीटिंग के अंदर, तो उसके पास आज मेरे बोलने से थोड़ा फर्क पड़ता होगा, ऐसा उनका मामला है, लेकिन वो गलत है। आज मैनेजिंग कमेटी में रहने न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, एज ए मेंबर ऑल्सो आई कैन स्पीक। और अगर एक भार्गव पटेल नहीं है 21,000 मेंबरशिप के अंदर, 1,000 भार्गव पटेल होंगे जो मैं नहीं बोल सकता हूं, तो वो अपनी आवाज ऊंची करके बोलेंगे। आपको आम गुजराती को मैं यही कहूंगा कि घर फूटे घर जाए, रावण हारा क्योंकि विभीषण ने रावण का साथ छोड़ा, कुंभकर्ण ने साथ दिया जैसे कर्ण ने दुर्योधन के साथ में अपना क्या बोलते हैं कि कुरुक्षेत्र के अंदर वो हारना हार निश्चित थी। तो ये जो एथिक्स की बात है, वो जू जिमखाना में एथिक्स जैसी कोई बात नहीं है। आज इसके साथ में लपटे हैं, कल उसके साथ में लपटते हैं, कल परसों उसके साथ में लपटे हैं। वहाँ कोई राजनीति अगर दिल्ली में अगर किसको सीखनी है, तो हम हमेशा कहते हैं जू जिमखाना में आ जाइए, जू स्कीम में आ जाइए, आपको एकदम अव्वल नंबर का आदमी बना देंगे वो। तो ये जो आप कह रहे हैं उसके अंदर कोई वजूद नहीं है। कोई वजूद होता तो 5 साल पहले निकाल देते। उनको भी मालूम है कि मैं रुपया कभी खाता नहीं हूँ, खाने देता नहीं हूँ। तो ये सब चीज़ों से वो पुरवार कर नहीं सकते। तो ये लांछन लगा हुई आज पहली बार नहीं है,
इसके पहले केपीएमजी में कराया था, दूसरा कराया था, क्लब का लाखों रुपए का नुकसान करते हैं। ये बार भी उन्होंने क्या बोलते हैं, एक एजेंसी रखी, बड़े वकील को रखा है, वकील को, वकील ने कागज लिखा, दो सीनियर मेंबर को बुलाया और दोनों सीनियर मेंबर ने रिपोर्ट दिए कि हमने वो वकील साहब को और ऑफिस बेरर को 50 बार पूछा कि साहब क्यों ये इंक्वायरी आगे नहीं बढ़ती है, तो जानबूझ के उसको दबा दिया गया। अब आप खुद सोच लीजिए इसके पीछे क्या कदम उठाएंगे, ये जो आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, झूठी खबर चलाई, इस पे क्या एक्शन लेंगे? ये जो आरोप प्रत्यारोप जो लग रहा है उसके पीछे की भावना मैं यही समझता हूँ कि अगर आपकी आवाज बुलंद हो, वो बुलंदी को खोखला करने के लिए का ये एक शस्त्र है। और एक चीज तो है, मैं शान के लिए जिया हूँ, शान के लिए रहूँगा और गुजराती लोगों के लिए जो मैंने उत्कर्ष का बीड़ा झड़पा है उसको नीचे नहीं पड़ने दूंगा। वो जो झंडा हमने ऊंचा लेके चले हैं उसको कभी भी म्यान में नहीं कर दूंगा। इनको ऐसा सबक सिखाऊंगा, इनको अपने जो राजीव गांधी बोल के गए थे उनको नानी याद करा दूंगा, मैं शायद नानी याद करा दूंगा, देखते रहिएगा। सब जब अच्छा आदमी कोई काम करता है ना तो ऐसे झूंड आ जाते साथ में बुराई करने के लिए। लेकिन एक बताना चाहूँगा, जैसे मराठा आंदोलन हुआ वैसे गुजराती लोग भी अच्छा आंदोलन कर सकते हैं। हमारी गुजरातियों की हमारी जो सहन शक्ति है उसको परखाना जाए। मैं चेतावनी देता हूँ अंग्रेजी अखबार को कि जैसे मराठा आंदोलन हुआ, जैसे मराठा लोग उतरे, वैसे गुजराती लोग, गुजराती यंगस्टर्स भी उतर सकते हैं और उसका अखबार का बायकॉट भी हो सकता है। और ये डेफिनेटली चीज़ हो सकती है, अगर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो ये चीज़ ज़रूर होगी। मैं बता चुका हूँ कि भार्गव जी के साथ मेरा बरसों से रिश्ता है और वो नीट एंड क्लीन छबी के इंसान है। और इतने सालों में मैंने तो आज तक कभी उनके बारे में एक वर्ड भी नहीं सुना है और हमने बहुत सी डील भी की है, तो क्लीन एंड अच्छा काम किया है। और मुझे लग रहा है कि पॉलिटिकल ड्रामा या उनको कुछ जानबूझ के फंसाया गया है या उनको बदनाम करने के लिए साजिश रची गई है। तो हम लोग आज यहाँ सब मिले और उनको साथ देने के लिए और उनके साथ सच्चाई में आगे बढ़ने के लिए और सभी गुजराती मिलके इसका अपोज करके इसके ऊपर आगे हम डिटेल्स में स्टडी कर रहे हैं। भार्गव जी को लेकर जो अफवाह फैलाई जा रही है बिल्कुल ना बुनियाद है, ये बहुत गलत हो रहा है। और हमारे गुजराती समाज के एक व्यक्ति है और गुजराती समाज को जो इसमें ला गया है कि मीडिया ने जो प्रेजेंट किया है कि गुजराती व्यक्ति टाइम्स ऑफ इंडिया में जो दे दिया है आर्टिकल, नहीं देना चाहिए जब तक प्रूफ नहीं होता है कोई चीज़, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। तो मीडिया के भाइयों को एक रिक्वेस्ट है कि जब तक आपके पास कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है तो कोई भी ऐसी चीज़ या कोई ऐसी समाज के बारे में मत लिखिए कि जो चीज़ सामने वाले की कारकिर्दी ख़त्म कर देती है। तो भार्गव भाई का तो इस सब्जेक्ट पे तो कोई लगता ही नहीं कि इसमें कोई ऑथेंटिक है, कि ये चीज़ में कहीं वजूद ही नहीं है, कि ये छोटी सी चीज़ भार्गव भाई का कहीं ना कहीं गलत इरादा हो सकता है। तो हमारा सपोर्ट पूरा भार्गव भाई के साथ है, हम पूरी गुजराती समाज के लोग यहाँ एकजुट हुए हैं कि इस चीज़ का कैसे भी हम करके हल निकालेंगे और इसका हम दम तोड़ जवाब देंगे। आज जमाना है न्यूज़ का, एक कोई भी न्यूज़ आएगा तो लोगों के डर में, दिल में डर पैदा हो जाता है। कोई भी लीडर काम करने को बाहर आता है तो उसका पांव खींचने का पहला काम होता है। मैं आज इतना ही बोल सकता हूँ कि भार्गव भाई के ऊपर जो भी आक्षेप लगाया गया हुआ है वो कोई भी आदमी मानेगा नहीं, किसी को ये सुनेगा नहीं। और ये लोगों ने अपना पेपर का व्यापक वधारने के लिए बढ़ाने के लिए ये सब ड्रामा किया गया है। दूसरी बात है कि क्लब की ओर से जो भी एक्सेप्ट किया गया है, 4 साल पुरानी बात आज लेके आप आ रहे हो, 4 साल तक क्लब वाले क्या सो गए थे? तो वहाँ पर क्यों ये चीज़ की क्लेरिटी नहीं हुई और आज ये चीज़ आ रही है? क्योंकि अगली साल, यही साल में यहाँ आगे इलेक्शन खड़ा हुआ है, पॉलिटिकल इलेक्शन आ रहा है, गवर्नमेंट को और सबको मिला के ये जो गुजराती सेल आज जो ज़बरदस्त काम कर रहा है, जिसका आज की तारीख में मुंबई में बहुत बड़ा प्रभाव है, ये प्रभाव को तोड़ने के लिए आज की तारीख में ये काम हो रहा है। मैं चेतावनी के साथ बोल रहा हूँ कि गुजरात समाज को कोई तोड़ नहीं सकेंगे, गुजराती समाज का प्रभाव कोई कम नहीं कर सकेंगे। फक्त इतना है कि आज हम लोग जो मिले हुए, ये स्वयंभू मिले हुए और हमने नक्की किया हुआ है कि बाई हुक एंड कुक जैसे भी होगा ऐसे हमारी यूनिटी आगे बढ़ेगी और फ्यूचर में कोई भी गुजराती के ऊपर कोई पन जात का एक्सेप्ट लगाने का हिम्मत नहीं करेगी, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ।
देखिए जी, भार्गव भाई को मैं बहुत सालों से जानता हूँ। अभी एक छोटी सी बात के लिए हमारा इन थोड़ा मन मोटाव थोड़ा हो गया था, मगर कल मैंने पेपर में देखा, ये देख के मेरे को लगा ये 100% गलत है। तो मैंने किसी को भी नहीं बोला कि मैं आ रहा हूँ करके, मैं सडनली यहाँ पे आ गया। मतलब हम भार्गव भाई के साथ है, जब तक मैं उनको जानता हूँ, जितने सालों से जानता हूँ, कभी गलत काम नहीं करेंगे। और ये लड़ाई गुजराती वर्सेस गुजराती हो रही है, वो 100% गलत है ये, मगर हम भार्गव भाई के साथ है, कुछ नहीं होने वाला है। और मैं तो बोलता हूँ जो मीडिया में आया ना, उससे भार्गव भाई को चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं। मैं तो बहुत मीडिया फेस कर चुका हूँ, और उससे ज़्यादा वो फेमस होंगे। आज 5 लोग जानते हैं, कल 50 लोग जानने लगेंगे भार्गव भाई को, ये मेरा वादा है। और 100% बात है ये, जब तक ये मीडिया में आता है ना ये चीज़, तो आदमी फेमस हो जाता है। तो भार्गव भाई आप हमारे चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं।